हेलो दोस्तों, ज़ोम 100 के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज़ोम 100 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके पहले उस एपिसोड्स को चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 12 की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग उसी बंदे का पास देखने को मिलता है जो बंदा केंचो के पीछे लगा हुआ था। वो पेशे से मोबाइल की दुकान का एम्प्लॉय हुआ करता था। हम लोग को देखने को मिलता है वो बार पे बैठकर बियर पी रहा था। तभी यहाँ पर वो नोटिस करता है एक लड़का और एक लड़की बार पे गुलछर्रे उड़ा रहे थे। वो बोलता है, जब मेरी शादी हुई तो मैं चाहता था हमारा एक सुखी परिवार हो, लेकिन कुछ समय बाद अभी वो घर मेरा नहीं रहा। मैं घर पे कम और बार पे ज्यादा आने लगा। मेरा गार ही मेरा घर बन गया था। मेरे वाइफ के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत ही बुरा होता गया। 5 साल बीत गए थे लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। वो हमेशा मेरी तरफ गुस्सा होती रहती थी, यहाँ तक कि मेरा 4 साल का बेटा भी मुझे नोटिस ही नहीं करता था। एक वीकेंड में मेरे बीबी मेरे बच्चों को लेकर कहीं पर घूमने के लिए गए थे। उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। ऐसा नहीं था कि मेरा कोई दूसरा प्लान था। धीरे धीरे मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का एनर्जी भी गंवाने लगा। और वैसे भी किसे चाहिए ऐसा रिलेशनशिप। कभी कभी मैं सोचता हूँ आखिरकार मैंने इतना काम करके ये घर क्यों बनाया था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पर वो बंदा केंचो के ऊपर अटैक करता है और केंचो को घर के छत से ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन केंचो उसको ब्लॉक करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर शिजुका बहुत ही ज्यादा मुश्किल पे थी। उसके पीछे भी यहाँ पर शिगराकी के एक दोस्त लगे हुए थे। शिजुका यहाँ पर भुट्टे खेत के अंदर से उस बंदे से भागने लगती है। जहाँ पर दूसरी तरफ बुरा का गैंग यहाँ पर शिजुका को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। वो लोग शिजुका को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन ये भी चिंता वाली बात थी कि ऐसे बुरे लोग शिजुका के लिए क्या कर सकते हैं। तभी अचानक से ओल्ड मैन ही को यहाँ पर जाग जाते हैं जो चोटिल हालत में थे। दूसरी तरफ बियोट्रिक्स उसी लड़की के साथ फाइट कर रही थी। बियोट्रिक्स के पास था कटाना और उस लड़की के पास था पैर काटने वाला आरी। उन दोनों के बीच ये क्लैश चल रहा था। अभी तक उन लोगों का बराबर का खेल चल रहा था। तभी बियोट्रिक्स बोलती है, चलो इसको जल्द से जल्द खत्म करती है। इसके बाद फिर से हम लोगों को आकिरा के पास ले जाया जाता है। आकिरा यहाँ पर अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए आया था, लेकिन उसके डैड सामने आकर आकिरा को पीछे ढकेलते हैं और ज़ॉम्बीज़ को दूर हटाने का काम अपने हाथ में ले लेते हैं और बोलते हैं, अपनी मॉम का ख्याल रखना। वो ज़ॉम्बीज़ को लगातार मारते जाते हैं और बोलते हैं, आकिरा दरवाजे को बंद करके रखो, अगर तुमने दरवाजे को खोला तो तुम सभी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आकिरा बोलता है, लेकिन डैड आप क्या करेंगे। आकिरा के डैड यहाँ पर ही नहीं रुकते, वो लगातार ज़ॉम्बीज को मारते जाते हैं। इसके बाद फिर से हम लोगों को केंचो के पास ले जाया जाता है। केंचो अभी भी छत पे ही खड़ा था और वो बंदा केंचो को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा था। नीचे ज़ॉम्बीज का मात्रा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। केंचो तो भी बोलता है, अपनी परेशानी को ब्लेम करना बंद करो। वो बंदा बोलता है, मेरी कमीनी बीबी हर वक्त से प्रमोशन करती रहती है। वो कहती है उसके ऊपर ही पूरा मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे घिन आती है जब मैं उसे खिलाने के लिए काम करता हूँ, वो मुझे बिल्कुल ना समझ की तरह ट्रीट करती है। ये बिल्कुल साफ है कि मैं ही यहाँ पर परेशानी में हूँ। क्या हुआ अगर मैंने मेरे बेटे का डिलीवरी मिस कर दिया। मैं पीने के लिए रात को बाहर जाता था तो क्या हुआ। वो कहती है उसको अकेले रहने में डर लगता है। आखिरकार कब तक उसको लेकर वो पकड़ी रहेगी। क्या तुम देख रहे हो मेरे कितने बाल सफेद हो गए हैं और मैं कितना पतला हो गया हूँ। इसके बाद केंचो बैकफायर करता है और उसके डंडे को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं समझ गया तुम्हारे कंप्लेंट्स बिल्कुल बेकार है। क्या तुम्हें पता है इटालियन लड़की कभी भी हंसना नहीं बोलती और कभी भी कंप्लेन नहीं करती। तुमने अभी तक अपने बीबी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बात बोला है, लेकिन क्या तुमने अपने एनिवर्सरी पे उसको फूल दिया था। क्या तुमने कभी एक साथ मिलकर घर को साफ करने का सोचा था। क्या तुमने कभी उससे पूछा था कि वो कैसा फील करती है। क्या तुमने अपनी बीबी को कभी अपने घर का रानी बनाया था। तुम ही कारण हो, तुम्हारी वजह से अभी वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। तुम्हें जो उसको प्यार दिखाना चाहिए था वो तुमने नहीं दिखाया। तुम सिर्फ उसे लेते रहे। वो तुम्हारी बीबी है, तुम्हारी माँ नहीं। इससे वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आदमी बोलता है, चुप करो तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। वो केंचो को लगातार पीछे ढकेलते रहता है। इसके बाद केंचो नोटिस करता है नीचे एक कचरे का कुआं है। ठीक है, तो तुम नीचे जाना चाहते हो ना, चलो हम दोनों एक साथ नीचे जाएंगे। इसके बाद केंचो उल्टा उसको खींच लेता है और वो दोनों एक साथ नीचे कूद जाते हैं। वो लोग जैसे नीचे कूदते हैं वो लोग देखते हैं उनके आसपास ज़ॉम्बीज़ घिरे हुए हैं। ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर धीरे धीरे उस बंदे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर केंचो अपना जान बचाने के लिए सबसे पहले नंगा होता है और नंगा होकर उस कचरे वाले कुएं पे कूद जाता है, जिसको देखने के बाद उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद वो आदमी भी उसी की तरफ ही बढ़ने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके रास्ते में आ रहे थे और देखते देखते ज़ॉम्बीज उसका काम ही तमाम कर देते हैं। इसके बाद केंचो बाहर निकलता है। केंचो के शरीर से यहाँ पर गंदगी की बदबू आ रही थी।
जिसको देखने के बाद यहाँ पर केंचो के साथ जो छोटी लड़की थी वो बोलती है मेरे से दूर रहना जब तक तुम नहा नहीं लेते। इसके बाद फिर से हम लोगों को आकिरा के पास ले जाया जाता है। आकिरा के डैड यहाँ पर ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आकिरा और बाकी सभी दरवाजे के पीछे थे। ज़ॉम्बी यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, लेकिन आकिरा के डैड भी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। आकिरा के डैड बोलते हैं लगता है मेरा टाइम आ चुका है। ये सुनने के बाद यहाँ पर आकिरा और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर जैसे आकिरा के डैड के ऊपर अटैक करने वाले थे, तभी पीछे से हिगराशी आ जाता है और हिगराशी आकिरा के डैड को बचा लेता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पर आकिरा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। हिगराशी इसके बाद बोलता है मैं बहुत टाइम से सोच रहा था तुम बहुत ही सख्त हो, तो तुम्हें ज़ॉम्बी बनाने के लिए मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद मुझे एक आइडिया आया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डैड सेफ रहे तो बाहर आ जाओ और ज़ॉम्बी बन जाओ। तुम अपने पेरेंट्स को रिपे करना चाहते हो है ना, तो अपने आप को सैक्रिफाइस करो अपने फैमिली को बचाने के लिए, क्या कहते हो? आखिर इसके सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को शिज़ुका के पीछे जो बंदा था उसका पास देखने को मिलता है। वो असल में एक शिप बनने की ट्रेनिंग में था। वो जिस रेस्टोरेंट पे काम करती थी वो काफी ज्यादा बिजी था और उसके साथ साथ वहाँ पर दूसरा लैंग्वेज भी यूज किया जाता था, जिसके वजह से उसको कुछ भी सही से याद नहीं रहता था। तो होटल के मैनेजर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लगभग 3 महीने से यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कुछ भी याद नहीं हो रहा था। वो बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं और वैसे भी ये जापान है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जापानीज यूज करें तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? सभी को लग रहा था कि वो ये सब बहाना बना रहा है। वो बंदा भी इन कंप्लेंट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन जब वो किचन में सफाई कर रहा था तो वो बोलता है यहाँ पर मेरी क्या गलती है, मुझे सिर्फ इटालियन में काउंट करना नहीं आता, साला मेरा लक ही खराब है। वो क्लीनिंग करते करते यहाँ पर सिगरेट स्मोक कर रही थी और सिगरेट खत्म होने के बाद वो सिगरेट को कचरे के डिब्बे में डाल देती है, लेकिन जब उसका क्लीनिंग खत्म होता है वो देखता है किचन में आग लग चुका है और ये आग लगा था उसके स्मोक किए हुए सिगरेट की वजह से, और इसके बाद उसका वो जॉब भी चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है हाँ ठीक है, पर मैंने उनको किचन में एस्ट्रे रखने को बोला था, साला मेरा लक ही बहुत ही खराब है यार। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पर अभी भी शिज़ुका उस बंदे से भाग रही थी। शिज़ुका सोचती है नहीं भाई मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगी, लेकिन उस बंदे से किस नहीं नहीं। शिज़ुका जैसे उस बंदे से भागने की कोशिश करती है वो बंदा शिज़ुका के पीछे आ जाता है। शिज़ुका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसके बाद धीरे धीरे वो शिज़ुका के करीब आता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था। वो बोलता है फाइनली फाइनली मेरा लक लग गया रे, मेरे जिंदगी में लड़की और पैसे कभी नहीं थे, मेरे जिंदगी में था सिर्फ बैड लक। क्या हुआ मेरी वजह से वो रेस्टोरेंट जल गया? मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, मैं भी काम कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार मेरे ऊपर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं असल में अनलकी हूँ। इसके बाद हम लोग को उस लड़की का पास देखने को मिलता है जो बियरटिस के पीछे थी। वो लड़की असल में एक म्यूनिसिपल ऑफिस वर्कर हुआ करती थी, लेकिन अगर वो देखती थी कि कोई छोटा सा छोटा चीज अपनी जगह पे नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके साथ साथ वो सभी को ऑर्डर भी देती है जैसे कि वो उनकी बॉस हो। उसकी इस हरकतों से डायरेक्टर और चीफ बहुत ही नाखुश थे। सभी लोग यहाँ पर चाह रहे थे कि वो इस जॉब को छोड़ दे। इसके बाद हम लोग प्रिजन पे आते हैं जहाँ पर वो लड़की बियरट्रिक्स का सामना कर रही थी। उसके हाथ में एक पेड़ काटने वाला आ रही था जिसके आवाज से ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। वो लड़की बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ वक्त है, इस आरी का आवाज ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा है। बियरट्रिक्स बोलती है आखिरकार क्यों तुम ऐसे एविल वाले काम कर रहे हो? वो लड़की बोलती है क्या एविल? मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही है, किसी को समझ नहीं आता, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे कोवर्कर्स सही से काम करें। क्या उनको नजर नहीं आता कि मैं उनके बारे में कितना ज्यादा केयर करती हूँ? अगर उन लोगों को काम करना नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं तो। क्या उन लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि मैं ही सही थी? इसके बाद हम लोग को एक बार फ्री से उन बुढ़े बुढ़ियों के गैंग पे ले जाया जाता है। जो बुढ़ा अभी तक चोटिल होने की वजह से सोया हुआ था वो अचानक से जाग जाता है और अपनी बेबी को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक बुरी औरत बोलती है शिज़ुका हमें बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ को भटकाने के लिए गई है। तो ओल्ड मैन हीको बोलते हैं तो तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शिज़ुका को जाकर बचाना नहीं चाहिए था? वो बोलते हैं लेकिन हम तो कुछ बुरे लोग हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके बाद वो बुरा आदमी बोलता है जब हमारे खेतों पे मुसीबत आती है तो क्या हम लोग हमारे खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं? जब टाइफून ने आकर हमारे फसल को नष्ट कर दिया था, जब गर्मी की वजह से हमारे पौधे मर गए थे, जब कीड़े मकोड़े ने हमारे पौधे को खा लिया था, हम लोग तभी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, लेकिन क्या हम लोगों ने हार माना था? हम लोगों ने कभी हार नहीं माना था, हम लोग उठकर खड़े हुए और एक बार फिर से फसल फैलाया। तो अभी हम लोग जिसके बारे में केयर करते हैं
तो उसको बचाने में हम लोग क्यों सोचे? आखिरकार किसे परवाह है उन ज़ॉम्बीज के बारे में? ओल्ड मैन हीको के बात से सभी लोग बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप हो जाते हैं और सभी शिज़ुको को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग को फिर से एक बार शिज़ुको के पास ले जाता है। शिज़ुको उस बंदे के मुंह से लक के बारे में सुनकर पक गई थी, तो शिज़ुको यहाँ पर अपने हिसाब से लक का डिस्क्रिप्शन देती है, जिसको सुनने के बाद उस बंदे का दिमाग घूम जाता है। वो बंदा बोलता है, तुम सिर्फ शो ऑफ कर रही हो, तुम ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितना ज्यादा स्मार्ट हो, है ना? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पॉइंट ये है कि मैं यहाँ पर लकी हूँ और तुम अनलकी। उस बंदे के हाथ में एक गन भी था, वो उस गन से शिज़ुको को डरा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बुरे लोगों का गैंग आ जाता है और ओल्ड मैन हीको अपने बड़े से गन से उस बंदे को शूट करती है। शिज़ुको उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और इसके बाद सभी बुरे लोगों का गैंग मिलकर उस बंदे का अच्छी तरीके से धुलाई करते हैं। इसके बाद बुरे लोगों का गैंग पूछते हैं, शिज़ुको क्या तुम ठीक हो? शिज़ुको इसके बाद मुस्कुरा के बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हम लोग को बियोट्रिक्स के पास ले जाता है। बियोट्रिक्स उस लड़की का पास सुनकर बोलती है, जर्मनी में काम के दौरान स्मोकिंग और गम चबाना बिल्कुल नेचुरल है। इसको सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, क्या इसका मतलब तुम भी मुझे गलत ठहरा रही हो? मुझे कल्चर के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है, इस दुनिया पे जो लोग गलत है उन लोगों को ज़ॉम्बी बन जाना चाहिए। बियोट्रिक्स के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, लेकिन यहाँ पर बियोट्रिक्स के पीछे एक वाटर व्हील भी था। तभी बियोट्रिक्स अपना दिमाग लगाकर वाटरफॉल के ऊपर चढ़ जाती है, जिसको देखने के बाद उस लड़की का दिमाग खराब हो जाता है। वाटर व्हील के ऊपर चढ़ने के बाद बियोट्रिक्स बिल्कुल सेफ थी। इसके बाद बियोट्रिक्स बोलती है, इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है, सभी के अपने अपने ड्रीम्स और सभी के अपने अपने आइडियल्स होते हैं। शायद तुम्हें भी उनको समझने की कोशिश करना चाहिए और तुम्हें ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए कि तुम असल में उनके ऊपर फोर्स कर रही हो। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है अचानक से वाटरफॉल चलने लगता है। बियोट्रिक्स भी यहाँ पर वाटरफॉल के साथ साथ चलने लगती है। वो बोलती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि इसको रोकना कैसे है। इसके बाद हम लोग को फिर से आकिरा के पास ले जाता है। शिग्राशि भी वहाँ पर था। शिग्राशि यहाँ पर आकिरा के डैड को बेड बनाकर आकिरा को ज़ॉम्बी बनाना चाहता था। शिग्राशि बोलता है, तो क्या हुआ आकिरा, क्या है तुम्हारा फैसला? चलो बाहर आ जाओ और ज़ॉम्बी बनके दिखाओ। आकिरा बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ चुका था। आकिरा सोचता है, अभी मैं क्या करूँ, मुझे डैड को बचाना है, लेकिन इसका मतलब मैं ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, मैं क्या करूँ, आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी आकिरा के डैड बोलते हैं, नहीं आकिरा, दरवाजे को मत खोलना, अगर तुम दरवाजे को खोलोगे तो तुम अपनी मॉम को जोखिम में डालोगे और अगर ये हुआ तो उसी दिन से हम लोग और फैमिली नहीं रहेंगे। आकिरा बोलता है, लेकिन डैड अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आप? आकिरा के डैड बोलते हैं, मेरे बारे में भूल जाओ आकिरा, वैसे भी अब इस दुनिया पे मैं ज्यादा दिन तक नहीं हूँ। आकिरा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, आकिरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी आकिरा की मॉम बोलती है, तेरे फादर को एक बहुत ही बुरी बीमारी है, दवाई और डॉक्टर के बिना वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। इसको सुनकर आकिरा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शिग्राशि भी इसको सुनकर बोलता है, अरे भाई यार ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा है आकिरा। आकिरा बोलता है, हम लोग अभी भी गिव अप नहीं कर सकते, हो सकता है डॉक्टर को इसका इलाज पता हो सकता है कल जाकर इस ज़ॉम्बी का भी दवाई तैयार हो जाए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने पेरेंट्स को रिपे नहीं कर पाऊंगा। तभी इसके बाद आकिरा के डैड बोलते हैं, आकिरा कोई ऐसा बनो जो सभी का मदद करता हो, इस सोसाइटी के लिए यूजफुल बनो, कोई ऐसा बनो जो सभी का दर्द समझता हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मर भी गए तो भी तुम अपने ग्रेटिट्यूड उनको दिखा सकते हो, अगर तुम अपनी जिंदगी में एक अच्छा इंसान बन पाए तो वो मेरे लिए एक गर्व का बात होगा। ये सुनने के बाद आकिरा की आँख खुले के खुले रह जाते हैं। आकिरा यहाँ पे आने के बाद अपने मॉम एंड डैड के साथ बिताए हुए पलों के बारे में याद करता है। इसके बाद आकिरा को अचानक से कुछ आइडिया सूझता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ॉम्बीज का मात्रा बढ़ रहा था। शिग्राशि यहाँ पर आकिरा के डैड का बलिदान देने के लिए तैयार था, लेकिन तभी अचानक से हम लोग को देखने को मिलता है दरवाजा खुल जाता है, जिसको देखने के बाद आकिरा के डैड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। हम लोग को देखने को मिलता है धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी की तरह कोई बाहर आता है, जिसको देखने के बाद शिग्राशि हंसने लगता है। आकिरा के डैड भी इसको देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो जाते हैं। हम लोग को देखने को मिलता है आकिरा फाइनली जाकर एक ज़ॉम्बी बन चुका था। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 12। तो एपिसोड नंबर 12 तुम लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ। एंड वीडियो चाहते वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज़ॉम्बी हेडेड को यही पर ही खत्म करते हैं।